तो ये मेरा घर जो कि पिछले 3-4 महीनों से कंटिन्यूअसली बने जा रहा था गाइज, आज मैं कह सकता हूँ फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस एक छोटा सा काम रह गया है, हेलीपैड लगाना। अगर हेलीपैड को छोड़ दिया जाए तो ये घर 99.9% फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। जो चीजें भी चाहिए थी मुझे इस घर के अंदर सारी चीजें लग चुकी है। इस घर के अंदर लिटरली मैं गाइज कोई कमी नहीं रह गई है, बस हाँ हेलीपैड की कमी रह गई है, वो कमी भी आज पूरी हो जाने वाली है। लास्ट टाइम मैं डायमंड्स देकर आ गया था गाइस लेस्टर को, और अभी मैं फिलहाल लेस्टर के घर पे ही जा रहा हूँ उससे पैसे लेने के लिए 10 करोड़, और उससे 10 करोड़ लाके यहाँ पर मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दूंगा और बस हेलीपैड लग जाएगा अपने घर की छत पे। बाकी अगर हेलीपैड को छोड़ दिया जाए तो भाई इस घर के अंदर सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सारा मेरा ऑफिस तुम लोगों को मैं घुमाता हूँ गाइस, इतने दिनों से मैंने तुम्हें अपना ऑफिस नहीं दिखाया। देखो भाई इधर झाड़ वाड़ भी लग गई है। पहले यहाँ पर जो अपना कॉन्ट्रैक्टर था यार वो ग्रिल सी लगा रहा था, तो मैं कह रहा भाई ग्रिल से लुक बढ़िया नहीं आ रहा, तो ऐसे घास की झाड़ लग गई है तो बढ़िया लग रहा है वो। एंड सारे फ्लोर्स पे काफी सारी गाड़ियां हैं, और मैंने एक और चीज सोची गाइस कि मेरा जो गैराज है मैं उसमें सिर्फ गाड़ियां ही क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ, बाइक्स भी तो होनी चाहिए। इसलिए मैं आज थोड़ी बाइक्स भी लाने की कोशिश करूंगा। बाकी ये एक एरिया है, ये एक कोना है, फिर यहाँ से भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं बिल्कुल एकदम टॉप फ्लोर पे, और ये आ गए हम लोग बिल्कुल एकदम टॉप फ्लोर पे जहाँ पर अपनी एक से एक गाड़ियां खड़ी हैं। यार गाड़ियों के मामले में तो मेरे पास सबसे बढ़िया कलेक्शन हो रखा है इस वक्त लॉस सैंटोस में। कौन सा ऐसा घर होगा या गैराज होगा या शोरूम होगा, शोरूम पे तो खैर मिल जाएंगे, लेकिन शोरूम पे भी इतनी वेराइटीज नहीं मिलने वाली है। लैम्बोर्गिनी, फरारी, एस्टन मार्टिन, ये पता नहीं कौन सी है, टुंड्रा। इसके अलावा अगर नीचे वाले फ्लोर पे चले तो यहाँ पर रोल्स रॉयस है, ये शायद पोर्शे है, ये एक मर्सिडीज है, ये एक होंडा सिविक है, एंड ये आई गेस मैक्लारेन है, एंड ये एक ओल्ड मॉडल पोर्शे है। इसके अलावा नीचे चले तो नीचे भी अपने पास एक से एक गाड़ियां हैं, जैसे कि ये वाली एंड ये जैगवार। तो बहुत ही अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है। एंड फटाफट से जरा ऑफिस में तुम लोगों को घुमाता हूँ, क्योंकि देखो भाई इतने दिनों से अपना घर कंप्लीट हो रहा है, इतने दिनों से नहीं इतने महीनों से अपना घर कंप्लीट हो रहा है, और ऑफिस तुम लोगों ने कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं देखा होगा, बट आज मैं तुम लोगों को अपना फुल्ली कंप्लीट ऑफिस दिखाता हूँ। यार पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। तो रेडी फॉर द ऑफिस, आर यू रेडी फॉर द ऑफिस, हियर वी गो। ये है मेरा ब्रांड न्यू ऑफिस जो कि आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है। यस एवरीवन, यस ये देखो भाई यहाँ पर कुछ प्लांट्स रहने वाले हैं, यहाँ पर जिम एक्सेसरीज रहने वाली है भाई जिम वगैरह करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ डीजे वगैरह होंगे, मस्त गाने वाने बजाओ, जिम करो, साइकिलिंग वगैरह करो, वेट लिफ्टिंग करो, और साथ ही साथ थक जाओ तो सो जाओ। और मेन जो वर्क एरिया है वो है नीचे वाले फ्लोर पे, जहाँ पर जाने के लिए हम लोग इधर से, अबे यार इधर इसने, अबे यार ये क्या कर रहा है भाई कॉन्ट्रैक्टर, यार तूने आधा अधूरा ही कंप्लीट किया है, इधर यार तूने दीवार छोड़ दी है। अरे वो जल्दबाजी में रह गया होगा यार, अरे क्या जल्दबाजी में रह गया होगा यार, पूरा घर कंप्लीट हो गया, थोड़ी बहुत चीजें छोड़ रहा भाई तू। अच्छा मैं आज अपने वर्कर से कह के लगवा दूंगा, टेंशन मत करो फ्रैंकलिन। ठीक है भाई इधर फटाफट से आज वॉल लगवा दियो, बताओ यार इधर वॉल लगाना ही भूल गया ये। तो ये आ गए हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे, और इसी के साथ नीचे वाले फ्लोर का जो ऑफिस है मैं वो भी तुम लोगों को दिखाता हूँ। एक बार ये देखो भाई ये वाली जगह कितनी ब्यूटीफुल है, ये बालकनी है, ठीक है, नीचे पहले हमारे पास सिर्फ बालकनी थी, बट अब ये जब से एक और फ्लोर बना है तब से ये वाली छत भी बालकनी में ही कन्वर्ट हो चुकी है। ये झरने वगैरह काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, यहाँ पर भी पूरा झरना वगैरह है, भाई क्या सुंदर लग रहा है यार अपना घर, एकदम बढ़िया लोकेशन पर है। और हाँ ये रहा देखो गाइस मेन ऑफिस का वर्क एरिया, जहाँ पर काम करना होगा तो काम करेंगे, वरना शिनचैन पिनचैन मैं और चॉप मस्त टीवी देखेंगे, इतने सारे सोफे लगा दिए हैं। फिर ये रहा थोड़ा सा वर्क वगैरह के लिए, क्या ही वर्क करेंगे हम तो गाड़ियां चुराते रहते हैं वैसे भी। और ये अपना ऑफिस कुल मिला के काफी बढ़िया लग रहा होगा, आई नो लग रहा है ना भाई एकदम बढ़िया। शिनचैन पिनचैन जॉब देखा तुम लोगों ने भाई, 99.9% कंप्लीटेड हाउस, अरे काफी बढ़िया लग रहा है यार। कलविया एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट ने मिलके जो काम किया है वो एकदम अलग ही लेवल का है यार। अरे हाँ यार एकदम नेक्स्ट लेवल घर बना दिया हमारा। वही तो भाई, मैं भी वही सोच रहा हूँ, पूरे लॉस सैंटोस में ऐसा घर किसी के पास नहीं होगा, और घर मान लो हो भी गया तो ऐसे डिजाइन इतनी कॉम्पैक्ट जगह में और इतने कम पैसों में इतना बढ़िया घर तो कोई नहीं बनवा सकता है। अरे हाँ यार और इतनी सारी गाड़ियों का कलेक्शन भी तो नहीं होगा। और कलेक्शन तो धीरे धीरे करके अभी बढ़ने ही वाला है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी लेस्टर के पास, 10 करोड़ जो डायमंड्स देकर आया था लास्ट टाइम,
उसकी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। पेमेंट लेकर आता हूँ भाई आर्किटेक्ट, उसके बाद तू अपने वर्कर्स को भेज दे हेलीपैड लेने के लिए और वो हेलीपैड आज लगा देंगे। ठीक है? ठीक है यार, ठीक है। बाकी आर्किटेक्ट पार्टी की तैयारी कर भाई। अरे मैं तो कर रहा हूँ बस। बताओ पार्टी कब देनी है? बताता हूँ मैं, जल्दी बताता हूँ तुम लोगों को। वैसे एक और चीज गाइस मुझे तुम लोगों से पूछनी थी कि तुम लोगों को इस घर में कुछ और भी चाहिए तो अभी के अभी जाकर कमेंट में बता दो गाइस, क्योंकि हमारा घर देखो आज फाइनली कंप्लीट हो जाने वाला है। और एक बार आर्किटेक्ट और ये कॉन्ट्रेक्टर वगैरह सब चले गए तो फिर मैं घर के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करवा सकता। यस गाइस, फिर ये हमारा घर फुल एंड फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर तुम लोगों को कुछ भी नए चेंजेस, जैसे मान लो भाई स्विमिंग पूल को बड़ा करना हो या फिर हेलीपैड की तरह कुछ और भी लगवाना हो, तो तुम लोग अभी कभी जाकर कमेंट में बता सकते हो यार, हम लोग चेंजेस करवा देंगे इस घर के अंदर। और या फिर कोई चीज मान लो तुम लोगों को बढ़िया नहीं लग रही है, भाई ये चीज बढ़िया नहीं है ये हटा दो, वो चीज बढ़िया नहीं है वो हटा दो, तो तुम लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो यार, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग आज कमेंट में बता दोगे तो हम लोग डेफिनेटली वो सारी चीजें चेंज करवा देंगे। बाकी अगर घर अगर बढ़िया है और एकदम तुम लोगों को बढ़िया लग रहा है तो कमेंट में 100 लिख देना भाई, ताकि मुझे पता चले कि भाई यस 100% बढ़िया है ये घर, 100% कंप्लीट है ये घर। तो तुम लोग कमेंट में जाकर 100 लिख देना अगर तुम लोगों को घर पूरा कंप्लीट लग रहा है, और अगर इनकम्प्लीट लग रहा है तो क्या चीज की कमी रह गई है वो चीज बता देना तुम लोग कमेंट में। फिलहाल गैराज के ऊपर ये देखो, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, गैराज के ऊपर ये देखो भाई, मस्त यहाँ पर हम लोग चिल कर सकते हैं। ओ बाथटब एक यहाँ शिफ्ट कर दिया, बाथटब वहाँ पर भी था ना भाई, अरे यहाँ शिफ्ट कर दिया इन लोगों ने बाथटब, कोई बात नहीं। और ये टीवी थोड़े शीशे अभी भी कमजोर क्वालिटी वाले लग रहे हैं, चलो कोई नहीं, मैं जल्दी से जाता हूँ भाई लेस्टर के घर और पैसे लेकर आता हूँ। आता हूँ भाई कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट लेकर आता हूँ पैसे फटाफट। चलो 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 लेस्टर, पैसे दे भाई मेरे पैसे। सारी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी भाई, किस किस को इनवाइट करना है अपने दोस्तों को। वैसे मैंने न्यू ईयर पे जितने दोस्तों को इनवाइट किया था, हाँ उतने दोस्तों को इनवाइट करना तो बनता ही है, साथ ही साथ फिर भी देख लेंगे यार। और हाँ वर्कर्स वगैरह और आर्किटेक्ट्स को कैसे भूल सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर को भी सबको बुलाना है। कॉन्ट्रैक्टर तो यार न्यू ईयर के टाइम पे आ नहीं पाया था, बट इस टाइम सबको बुलाना है, सबको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा भाई। एवेंजर्स में से भी बुलाऊंगा जिसने भी हमारी हेल्प की है मेनली, और अपने दोस्तों में से तो बुलाऊंगा ही भाई, मेरे दोस्तों में सब ने हेल्प किया, चाहे वो लेस्टर हो, साइमन हो, माइकल हो, ट्रेवर हो, लेमार हो, लेमार तक ने भाई हेल्प की है, तुम लोग सोच सकते हो लेमार उसने भी हेल्प किए, बताओ कोई बात होती है ये। खैर जो भी हो, चलते हैं अभी फिलहाल लेस्टर के घर और हेलीपैड लगवाते हैं आज, और फाइनली आज हमारा पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ नई चीजें लगवानी होंगी तो देख लूंगा मैं कमेंट्स में, बाकी अगर तुम लोगों ने ज्यादातर ने 100 लिखा होगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम पार्टी करेंगे, घर के लिए पार्टी का इनविटेशन देंगे। फिलहाल हाँ मैं आज देखो भाई मेरा प्लान क्या है, घर के लिए 2 सुपर कार्स का तो जुगाड़ करना ही है। अबे ये किधर आ गया मैं कह रहा था देखो आज घर के लिए 2 सुपर कार्स का तो जुगाड़ करना ही है, वो तो मैं हर बार करता ही हूँ, साथ ही साथ 2 बाइक्स का भी जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि भाई पूरा शोरूम सिर्फ गाड़ियों से भरा हुआ अच्छा थोड़ा लगता है, बाइक्स भी हो कार्स भी हो तब अच्छा लगता है, इसलिए 2 सुपर कार्स एंड 2 बाइक्स। अभी फिलहाल लेस्टर के घर चलते हैं। लेस्टर की गली में एंटर कर चुका हूँ मैं, और ये है लेस्टर का ब्यूटीफुल सा घर। देखो भाई लेस्टर के घर के सामने अगर तुम लोग देखोगे ये वाली लोकेशन, यहाँ पर भी कई सालों से घर का काम चल रहा है, वर्कर्स देखो यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन देखो तुम लोग जरा वर्कर्स, कोई सिगरेट फूंकने में लगा पड़ा है, कोई कॉफी पीने में लगा पड़ा है, कोई उधर बर्गर डोनट खा रहा है, काम देखो तुम लोग, काम कितना सा काम हुआ है जरा सा। और कई साल बाद भी अगर मैं आके देखूंगा भाई ये काम इतना ही हुआ होगा, क्योंकि कह रहा हूँ भाई मैं बहुत साल लगा देते हैं यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स वगैरह है लॉस सैंटोस के, बट हमारा ही घर है जिसका काम इतनी जल्दी जल्दी एंड फटाफट हुआ है। जैसे ये बंदा अपने घर के पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनवाने की कोशिश कर रहा था, कई साल हो गए इसका स्विमिंग पूल अभी तक नहीं बना है, तो इसी तरीके का काम होता है भाई लॉस सैंटोस में। लेकिन हमारा घर जो है पूरा अपग्रेड हो गया 3-4 महीनों में ही, और ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट भी होने वाला है, तो ये काफी बढ़िया चीज थी, अपनी किस्मत भी अच्छी थी और सही बंदे में मिल गए। फिलहाल लेस्टर भाई मेरे डायमंड्स बिक गए होते यार, पैसे दे दे फटाफट मेरे 10 करोड़। नहीं बिके? अरे यार वो बेग तो दिए मैंने, लेकिन 11 करोड़ में बिके। हाँ तो जो भी, 1 करोड़ तेरे, 10 करोड़ मेरे, 1 ही करोड़ मेरे यार। अबे लेस्टर यार प्लीज दे दे भाई, मेरा घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज, दे दे भाई पैसे। ठीक है चलो, थैंक यू लेस्टर, थैंक यू, बाय बाय। चलो भाई मिल गए 10 करोड़, अब घर निकलते हैं। नाइस 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 नाइस, बस बस अब जल्दी
जल्द ही अपना घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। घर तो देखो पूरा कंप्लीट हो ही गया है, बस ये हेलीपैड रह गया है। वो वर्कर्स चले जाएंगे हेलीपैड लाने के लिए, और जब तक मैं दो सुपर कार्स दो बाइक्स कलेक्ट करूंगा तब तक हेलीपैड आके लग भी जाएगा, तो ये भी बढ़िया चीज़ है यार। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है लिटरली। मैं तुम लोग याद करो भाई, वो पहला दिन जब हमारे घर में घर बनने की शुरुआत जब हुई थी भाई, किस तरीके से एक एक वॉल्स लगानी शुरू की थी इन लोगों ने, किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, किस तरीके से सबसे पहले वो पिलर लगाने शुरू किए थे ओ भाई, और किस तरीके से आर्किटेक्ट को मैंने अपना प्लान बताया था तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि भाई सड़क पे से एक गैराज बनवाना है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई यार। उसके बाद फिर पुलिस वालों के अलग ही पंगे हुए, फिर मैं कैवे पेरिको से वकील लाया भाई, बहुत पंगे हुए हैं घर को बनाने में। अगर तुम लोगों ने पूरी हाउस अपग्रेड की सीरीज़ देखी होगी तो तुम लोगों को पता होगा यार मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी खुशी हो रही है इसलिए, इतनी सारी मुश्किलों के बाद अब ये घर कंप्लीट होने वाला है तो वाह यार मज़ा ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम पार्टी होगी, पार्टी सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, बट अभी भी स्टिल गाइस तुम लोगों के पास मौका है अगर तुम लोग कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उस घर के अंदर, वरना अगर बढ़िया लग रहा है तो 100% लिख दो भाई कमेंट में। ओहो इधर से ही क्या अलग ही चमक रहा है यार, वो देखो जरा अपना घर, इतने पेड़ पौधे भी तो लग गए हैं, चेरी ब्लॉसम की ट्रीज लग गए हैं, वो बड़े बड़े वाले क्रिसमस ट्री टाइप के लग गए हैं, फिर केले के पेड़ लग गए हैं, संतरे के पेड़ लगा दिए भाई, नारियल के पेड़ लगा दिए, क्या क्या नहीं लगा दिया है अपने घर पे। कह रहा हूँ ऐसा घर पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं होगा। अगर पूरा जोड़ा जाए कितना खर्चा बैठा है तो कम से कम 180-190 करोड़ के लगभग बैठा होगा भाई खर्चा टोटल इस घर को बनवाने में। वैसे तुम लोग पेड़ देखो, पेड़ों की शुरुआत यहीं से हो जाती है। हाँ एक चीज़ गाइस, यहाँ पर मैंने एक पेड़ लगवाया था ठीक है, पहले वो पेड़ मैंने अपने घर के पास लगाया था, फिर मैंने लाके यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन अब वो फिर से पेड़ मैंने घर के पास ही लगा दिया है। मैं सोच रहा था यार जब अपना पेड़ है तो अपने घर के पास ही रहेगा तो बढ़िया रहेगा, इसलिए देखो यहाँ पर मैंने वापस ये लगवा दिया है एंड सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया है एकदम। चेरी ब्लॉसम के ट्रीज वगैरह खूबसूरत लग रहे हैं, गाड़ियों से पूरा भरा हुआ ये गैराज बढ़िया लग रहा है। ओहो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है घर को देख के, बस हेलीपैड लग जाए, इसी चीज़ की कमी है वरना तो सब कुछ हो गया। लो ये 10 करोड़ लो और फटाफट से हेलीपैड लगवाओ भाई। कॉन्ट्रैक्टर ये आज रात तक हेलीपैड लग जाएगा शाम से पहले? अरे हाँ यार बिल्कुल लग जाएगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। वाह यार वाह, मतलब आज मेरा 100% घर कंप्लीट हो जाएगा। मैं चला भाई, मेरा मन कर रहा है बस अपने घर पे जाऊँ मस्त टॉप पे और वहाँ से नज़ारे लूँ पूरे लॉस सैंटोस के, इतना ब्यूटीफुल घर ही है भाई अपना। ओहो क्या ही मस्त है भाई, क्या ही मस्त है, मज़ा आएगा जब हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे रहने लग जाएंगे तो। ये देखो स्विमिंग पूल के आगे कितने सारे पत्थर वगैरह भी और लग चुके हैं, ये देखो केले के पेड़ संतरे के पेड़ चेरी ब्लॉसम झरना वरना पता नहीं क्या क्या है, ये देखो स्नेक प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें। चलो चलो ओए वेट, इधर लगा दिया भाई प्लेटफॉर्म। हाँ बस थोड़ा सा लग गया है, थोड़ा सा एक और प्लेटफॉर्म लगवा दूंगा उधर, बस कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई ऐसा होता है ना कॉन्ट्रैक्टर, ये देखो यहाँ पर जो था प्लेटफॉर्म लगाना ये छूट गया था तो मैं यहाँ पर गिर गया था अभी थोड़ी देर पहले ही, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा। अभी देखो कॉन्ट्रैक्टर ने इतनी जल्दी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लगवा दिया, दूसरा वाला भी लगा दे यार पूरा परफेक्ट हो जाएगा ये, और बढ़िया लग रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुका हूँ मैं अपने घर की ऑलरेडी, चलते हैं अब यहाँ से। अब एक काम करते हैं गाइस, हम लोग वो करते हैं भाई, अरे इधर से निकलने का किधर से, अच्छा मैं तो बार बार भूल ही जाता हूँ। एक काम करते हैं अब हम लोग चलते हैं अपने गैराज के लिए दो सुपर कार्स और दो बाइक्स का जुगाड़ करने के लिए। ओ नो वो लग गई पत्थर पे, लग गई यार पत्थर, लगवा तो दिए हैं लुक बढ़िया सा तो आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है ऊपर से जंप करते स्विमिंग पूल की बजाय पत्थरों पे गिर रहा हूँ मैं। अरे यार घर कितना एपिक लग रहा है। बिल्कुल भाई घर तो एपिक लग ही रहा है, लेकिन मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। बाय बाय कॉन्ट्रैक्टर भाई, जल्दी से हेलीपैड वगैरह लगवा। ओके यहाँ पर अपने पड़ोसी फरारी है, फरारी है क्या ये, फरारी लग रही है जो भी है, मैं लेके निकल रहा हूँ इसे, और इसे लेके मैं निकलता हूँ गैस कोई बढ़िया सी सुपर कार या फिर स्पोर्ट्स कार या फिर कोई लग्जरी कार लाने के लिए। दो गाड़ियाँ चाहिए मुझे आज के दिन ही और दो बाइक्स चाहिए, ये कलेक्ट करके अपने गैराज में लगा दूंगा, तब हम लोग देखेंगे एक बार और टूर करेंगे जब हेलीपैड लग जाएगा, देखेंगे कैसा लग रहा है हेलीपैड लगने के बाद अपना ये ब्यूटीफुल सा घर। बाकी निकलते हैं कार्स के लिए। तो मैंने बहुत सारी जगहों से अपनी गाड़ियाँ कलेक्ट कर लिया भाई, बहुत सारी जगहों से गाड़ियाँ चुरा चुका हूँ मैं, अब कहाँ से लाई जाए कोई गाड़ी अपने गैराज के लिए। डायमंड कसिनो की पार्किंग से ला चुका हूँ, लेकिन डायमंड कसिनो के पीछे जो रेस ट्रैक है
वहाँ की पार्किंग से मैं आज तक कोई गाड़ी नहीं लाया। वहाँ पर भी एक से एक गाड़ियाँ होंगी ज़रूर। एक काम करते हैं, सामने ही है डायमंड कैसीनो और उसका रेस ट्रैक भी जस्ट इधर ही है। ज़रा एक बार चल के देखते हैं गैस, क्या पता लिटरली में कोई बढ़िया गाड़ी हमें मिल जाए वहाँ से। चलो चलो चलो। ओके, यहाँ से इधर और यहाँ से सामने की तरफ चलते हैं। ये आ गए हम लोग डायमंड कैसीनो के पीछे रेस ट्रैक पे और रेस ट्रैक की पार्किंग इधर है। ज़रा पार्किंग में चलते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया सी स्पेशल सुपर कार स्पोर्ट्स कार कुछ तो होगी। ओके, नॉर्मल गाड़ी है। नहीं, बढ़िया लग रही है यार गाड़ी तो ये वाली, बट कलर कुछ उतना खास नहीं है। ये भी नॉर्मल ही है। अरे ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई अलग सी नहीं है भाई। ये तो जीप है, ये भी जीप है, जीप है, जीप है, ये टू सीटर जीप, टू सीटर, ये कौन सी है? और ये तो बेंटले लग रही है, बेंटले ही है क्या ये? बैठते हैं जरा इसमें। यस गाइस, ये बेंटले ही है। ओ भाई क्या बढ़िया लग रही है ये बेंटले। ओ तेरी, ओहो, मैं कह रहा था यार चलते हैं यहाँ पे, मस्त गाड़ी मिल जाएगी। लो भाई बेंटले मिल गई, अब क्या चाहिए। चलो चलो चलो, शांति से फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। ओके गाइस, बेंटले मिल चुकी है मुझे यहाँ पर डायमंड कैसीनो की रेस ट्रैक वाली पार्किंग में। मैं कह रहा था यार ये डायमंड कैसीनो की पार्किंग में हमेशा कोई ना कोई बढ़िया गाड़ी मिली जाती है। और लास्ट टाइम मुझे एक और गाड़ी मिली थी इसकी जो नॉर्मल वाली पार्किंग है कैसीनो की पार्किंग में, और ये बेंटले मुझे मिली है इसके रेस ट्रैक वाली पार्किंग में। चलो चलो ठीक है। अरे यार मैं ठोक क्यों रहा हूँ। तो सुबह सुबह एक बेंटले का जुगाड़ हो गया। एक और सुपर कार चाहिए और दो बाइक्स चाहिए। पहले बाइक्स कलेक्ट करते हैं, कार्स तो होती रहेंगी, कार्स तो मेरे पास ऑलरेडी है। देखो यार, पहले मैं सोच रहा था कि ये जो अपने घर का पूरा गैराज है इसको फिल करूंगा मैं गाड़ियों से, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार गाड़ियों से भर दूंगा फायदा क्या, कुछ बाइक्स, कुछ स्पेशल स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए अब मेरा ध्यान जा रहा है थोड़ी बाइक्स वाइक्स भी कलेक्ट करने पर। इसलिए अब गाड़ियों के साथ साथ मैं थोड़ी बाइक्स भी कलेक्ट करूंगा और धीरे धीरे करके पार्टी वाले दिन से पहले पूरे गैराज को फिल कर देने वाला हूं मैं। तो ये हो गई अपनी बेंटले, गैराज की तरफ चलते हैं, लगाते हैं इसको अपने लेफ्ट साइड वाले गैराज की तरफ क्योंकि फ्रंट साइड वाला तो पूरा फिल हो गया है। हटो हटो भाई, बेंटले आ रही है, दिख नहीं रहा, वाइट कलर की है, ये स्क्रैच अभी अभी आया है। वाइट कलर की बेंटले, थोड़ी ऐसी रेड स्ट्रिप्स हैं, डिज़ाइन है। छत खुलती है क्या इसकी? एक सेकेंड, नहीं छत नहीं खुलती है। लाइट्स इसकी कितनी बढ़िया लग रही है। ओके वेलकम टू द गैराज, और अभी इधर लेकर चलते हैं लेफ्ट साइड में, आराम से बिल्कुल। ओके इधर से ये जो ड्राइविंग है इस तरीके से फ्लोर बाय फ्लोर चेंज करना, पहले मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि भाई गाड़ियाँ फ्लोर बाय फ्लोर ले जाते ही ठुक ठुक के स्क्रैचेस ना आ जाए, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं सीन है गैस। अब तो एकदम मस्त लगता है, अब तो एकदम ये सिंपल चीज़ लगती है गाड़ियों के इधर से उधर ले जाना। इस वाले फ्लोर पे नहीं, नीचे वाले फ्लोर पे ही अभी गाड़ियाँ रखते हैं। इस वाले फ्लोर पे मैं सोच रहा था बाइक्स रखेंगे, बाइक्स फिर नीचे वाले फ्लोर पे बाइक्स। हाँ यस यस यस, नीचे वाले फ्लोर पे बाइक्स, ऊपर वाले फ्लोर पे गाड़ियाँ। यस रुको, मैं नीचे एक गाड़ी रख चुका हूँ लास्ट टाइम पोर्शे, उसे भी ऊपर ही लेके आ जाता हूँ भाई। एकदम क्लासिफाइड रहना चाहिए पूरा गैराज। हाँ तो ये रही पोर्शे, ये वाले फ्लोर पे हम लोग बाइक्स रखेंगे, सिर्फ इस पोर्शे को ऊपर ही लेकर चलते हैं। ओहो क्या लग रही है ये वाली पोर्शे भी। भाई मेरे पास जितनी गाड़ियां हैं ना भाई, किसी भी पार्टी में इनविटेशन आया, कहीं भी जाना पड़ गया, अपनी कोई सी भी फेवरेट गाड़ी उठाओ और निकल पड़ो। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत फिर यही होगी कि कौन सी गाड़ी लेके जाऊं, इतनी सारी गाड़ियां ही हैं, लैम्बोर्गिनी से लेकर फरारी से लेकर पोर्शे एस्टन मार्टिन, कौन सी गाड़ी नहीं है मेरे पास, सारी गाड़ियां हैं। कंफ्यूजन होने वाली है बाद में बहुत ज्यादा कि आज कौन सी गाड़ी लेके जाऊं मैं, बट वो सब बात की बातें हैं। अभी पहले पूरे गैराज को फिल करते हैं धीरे धीरे। अब मैं चलता हूँ बाइक्स का जुगाड़ करने के लिए। बाइक्स के लिए अबे यार पोर्शे दिख ही नहीं रही नीचे से। ओहो ये तो गड़बड़ है भाई, थोड़ी पोर्शे और आगे करूँ क्या? आगे ही तो है, थोड़ा सा चलो और आगे कर देते हैं इसे। इतना ठीक है क्या? हाँ इतना ठीक है, अब दिख रही है ही नीचे से, ज़रा देखते हैं एक बार। हाँ अब थोड़ी बहुत दिख रही है ये पोर्शे। अब चलते हैं बाइक का जुगाड़ करने के लिए। हेलो मैडम, भाई साहब, जो भी हो आप, गाड़ी दो, गाड़ी दो सर जी, गाड़ी दो। अरे आप कहाँ जा रहे हो तुम? अबे बाइक्स लाने के लिए तुम लोगों से कह रहा था सुबह सुबह मैं। अरे कोई बढ़िया सी बाइक लेकर आना है यार। क्या कलू यार, कोई घिसी पिटी बाइक मत लियो भाई। नहीं नहीं बढ़िया सी लाऊंगा, उसकी टेंशन मत करो तुम लोग। बाइक्स कहाँ से लाऊं यार, गाड़ियों के बारे में तो मैं सोच लेता हूँ कि चलो यहाँ गाड़ी मिल जाएगी, वहाँ गाड़ी मिल जाएगी, बाइक्स, बाइक्स के शौकीन कहाँ रहते हैं? बाइक्स वाले लोग रहते हैं या तो बीच की तरफ, लेकिन बीच पे तो नॉर्मली बंदे साइकिल वगैरह ही चलाते रहते हैं, उधर बाइक्स लेके कहाँ कोई जाता है। तो फिर बाइक्स के लिए मैं कहाँ जाऊँ?
कहाँ जाऊँ मैं बाइक्स के लिए? लेट मी थिंक हाँ, बाइक्स का कहाँ जुगाड़ हो सकता है? बाइक्स के लिए हाँ, बीच के बगल में वो जो इलाका नहीं है भाई, जहाँ पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर बाइक्स वगैरह के शोरूम थे पहले, तो डेफिनेटली उधर के इलाके में जो बंदे रहते होंगे उधर, उनके पास बाइक ज़रूर होती होगी यार। चलो मैं निकल रहा हूँ भाई बीच के उस इलाके की तरफ, उधर डेफिनेटली बाइक्स वगैरह मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि सीरियसली मैं यार उधर पहले बहुत सारी बाइक्स के शोरूम थे, तो जहाँ पर भाई गाड़ी या फिर बाइक्स ऐसे शोरूम वगैरह रहते हैं, वहाँ के लोग हो जाते हैं शौकीन बाइक्स वगैरह खरीदने के, तो डेफिनेटली वहाँ पर मुझे बाइक्स मिलेंगी। लेट्स गो। ऐसे पहुँचने भी वाला हूँ मैं उस इलाके की तरफ, बस थोड़ा सा इधर और आगे से थोड़ा सा राइट। ओके, तो इस वाले इलाके की बात कर रहा था, देखो वो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिख रही है तुम लोगों दो, उधर ही पहले बाइक्स वगैरह के शोरूम हुआ करते थे, तो इधर बाइक के शौकीन बंदे तो होंगे ही, और शौकीन बंदे होंगे तो तगड़ी तगड़ी बाइक्स भी होगी, लेकिन बाइक नज़र तो नहीं आ रही है, कोई गाड़ियाँ ही हैं यहाँ पर तो तीन तीन, वो भी नॉर्मल सी। इधर है क्या बाइक्स? हेलो बाइक्स है क्या किसी के पास? बोट नजर आ रही है भाई। ओए वेट, वहां पर वो बाइक है क्या? रुको गाइस, वो बाइक लग रही है मेरे को सामने की तरफ पर्पल कलर की। यस, वो बाइक ही है। देखो भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा था भाई, मेरा अंदाजा एकदम परफेक्ट निकला। मैं जानता हूँ ना भाई, इधर पहले बाइक्स वगैरह के शोरूम हुआ करते थे, तो इधर डेफिनेटली बंदे बाइक्स रखते होंगे। चलो उस बाइक तक फटाफट से पहुंचते हैं, इधर से इधर और यहाँ से फिर अंदर, और यहाँ से वो बाइक कहाँ दिखी भाई मुझे? यहीं पर कहीं तो दिखी थी पर्पल कलर में। अरे उतर जाते हैं ना भाई गाड़ी से। ये देखो यहाँ पर अभी भी कुछ गैराज है, मतलब गैराज नहीं वही शोरूम, ये देखो गैलेक्सी नाम से एक शोरूम। कहाँ वो रही बाइक, ये रही भाई। लेट्स गो मिल गई, हार्ले डेविडसन मिली है भाई, येलो एंड पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में, जिसपे बढ़िया से ऐसे स्ट्राइप्स हैं, और क्या ही खतरनाक लग रही है। तो ये है हमारे गैराज की पहली बाइक, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड वाली है यार, और इसकी आवाज़ सुनो, आवाज़ देख रहे हो तुम लोग कितनी ब्यूटीफुल है। चलो ये हो गई हमारी पहली बाइक हमारे शोरूम की, शोरूम क्या गैराज जो भी बोलो सब अपना ही है। तो ये हमारे गैराज की पहली बाइक, लेकर सजाते हैं इसको नीचे वाले फ्लोर पे, और फिर एक और इधर से ही बाइक ढूंढने के लिए आऊँगा मैं, क्योंकि मेरे को पता है इधर ही बाइक और भी मिलेंगी, तो जल्दी से पहले घर चलते हैं, इस बाइक को रख के आते हैं। लेट्स गो, तूफानी बाइक है ये तो भाई साहब, क्या स्पीड है, क्या कट लग रहे हैं इससे। ओह नो भाई, क्या पावरफुल बाइक है ये, मैंने अभी इस गाड़ी को टक्कर मारी, गाड़ी हवा में थोड़ी देर के लिए हो गई थी भाई। अरे ये बहुत ही बढ़िया है बाइक, ओ फरारी तो बढ़िया लग रही है मैडम की, येलो कलर की, छोड़ो मेरे पास ऑलरेडी है पर्पल कलर में। निकलते हैं घर इस बाइक को लेके। वेलकम बैक टू द हाउस एंड वी आर बैक। ओ सामने से हटो भाई, और हार्ले डेविडसन से पंगे मत लो भाई कोई भी, और ये आ चुके हैं। ओ अबे भाई, तुम्हारे हेलीपैड नहीं आया अभी? अरे यार वो वर्कर्स का फ़ोन आया था, वो थोड़ा चूज़ करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, एकदम बढ़िया वाला हेलीपैड ला रहे हैं ना इस बार। हेलीपैड तो पिछला भी बढ़िया ही था, वो तो तुम लोगों ने लगाया नहीं था बढ़िया से। अरे यार टेंशन मतलब इस बार वाला हेलीपैड एकदम बढ़िया लगेगा। ठीक है जल्दी लगवाओ यार, मेरे दो व्हीकल्स तो मैं कलेक्ट कर भी लाया, अब बस और दो बचे हैं, एक और बाइक लाऊंगा मैं और एक और सुपर कार लाऊंगा। फिलहाल हमारी पहली बाइक की एंट्री होती हुई हमारे गैराज में, और ये है हार्ले डेविडसन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। एक बार नीचे से चल के देखते हैं कैसी लग रही है ये। शॉर्टकट लेके आ चुका हूँ मैं, दिख तो नहीं रही यार, नहीं दिख तो रही है, बढ़िया लग रही है बल्कि, वो देखो। अरे यार एक सेल्फी तो बनती है मेरे गैराज के संग। अबे ये कैसी सेल्फी ले रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, हाँ अभी सेल्फी लेते हैं। ओके नाइस सेल्फी, और क्लिक करते हैं ये सेल्फी। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बढ़िया लग रहा है सब कुछ। वैसे यार अभी तक अपने घर का मैंने कुछ नाम नहीं रखा है, मैंने तुम लोगों से यार कमेंट में पूछा तो था अपने घर का क्या नाम रखूं, बट अभी तक फाइनल नहीं किया मैंने कुछ नाम, अभी भी मैं नाम को लेकर कंफ्यूज्ड ही हूँ। छोड़ो नाम बाद में सोचेंगे, अभी पहले एक और बाइक लेने के लिए चलते हैं उसी लोकेशन पे, मेरे को पक्का यकीन है वहां पर एक आध बाइक्स और होंगी बढ़िया सी, लेकर आते हैं उन्हें भी, लेकिन वहां तक जाने के लिए गाड़ी भी तो चाहिए।
अरे किसी की गाड़ी दे दो यार कोई। हेलो पीछे से एक गाड़ी आ रही है, रुको इसी के लूटता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू मैडम। मैडम हो भाई साहब जो भी हो, भाई साहब थैंक यू फॉर योर कार। और ओहो ओल्ड मॉडल कार है तो बढ़िया लग रही है। चलो बाइक लेकर आते हैं, लेट्स गो फुल स्पीड। एंड एक सेकेंड, कहाँ जाना था? हाँ वो बीच के बगल वाले इलाके की तरफ। चलो चलो फटाफट फटाफट बाइक चाहिए। ये मेरी दूसरी बाइक होगी अपने शोरूम की, और उसके बाद एक और सुपर कार, और आज का कोटा पूरा हो जाएगा। दो गाड़ियाँ दो बाइक्स, धीरे धीरे करके पूरा शोरूम फिल कर दूंगा भाई मैं। यहाँ तो देख ही लिया था भाई, इधर तो बाइक्स दिखी नहीं थी, उधर ही चलते हैं ज़रा। यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले बाइक लेके ही गया था मैं, फिर कहाँ पर बाइक मिल सकती है, आगे चलते हैं ज़रा इधर से इधर। हेलो भाई साहब आपने कोई बाइक देखी है यहाँ पर बढ़िया सी? हेलो भाई साहब आप ठीक हो? हेलो भाई साहब आपने कोई बाइक देखी है बढ़िया सी? देखी तो है एक। कहाँ कहाँ देखी है आपने? इधर ही कहीं आगे एक रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट में? कहाँ पे, कौन से रिजॉर्ट में बताओ? अबे वो तो उल्टा भाग गया। अबे यार, हेलो भाई साहब आपने कोई बाइक देखी है क्या यहाँ पे? हाँ अभी यहाँ पे एक रिजॉर्ट में बहुत ही बढ़िया सी बाइक देखी थी। कौन से रिजॉर्ट में जरा बताओगे, जरा बताओगे भाई साहब? ओ नो भाई साहब तो बताने लायक ही नहीं रहे लगता है। अच्छा नहीं लायक है भाई साहब, जरा बताओगे कौन से रिजॉर्ट में? सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ भाई साहब प्लीज बताओगे? अरे यार अब वो बताएगा नहीं, उसको दो बार टक्कर मार दी मैंने। रिजॉर्ट है यहाँ पे कोई? नहीं यार पता नहीं कौन से रिजॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। ये है क्या, ला स्पाडा लग तो रहा है, बंदे लंच वंच कर रहे हैं यहाँ पे। यही है क्या कोई रिजॉर्ट, या फिर ये कोई कोई नाम है इस रिजॉर्ट का? तो इसका नाम है ला स्पाडा और इसका नाम है कोई। इस पे इसमें दिखी है किसी को बाइक है? इसमें किसी को दिखी है क्या बढ़िया सी बाइक? अब बंदे क्लियरली बताते हैं नहीं भाई, कंफ्यूज करते रहते हैं। कोई बाइक दिख तो नहीं रही है। ओए एक सेकंड, वो तो रही एक बाइक। अरे इसी रिजॉर्ट की बात कर रहे थे शायद वो लोग। ओए मिल गई, ओए मिल गई भाई साहब हटना जरा। ओए मिल गई, ओ भाई साहब हटना जरा। अरे हटो ना भाई साहब, मिल गई बाइक मिल गई। अरे हटो ना भाई हटो, क्या बढ़िया बाइक है यार ये तो, वेस्टर्न लिखा हुआ है। ओ नो नो गड़बड़ प्लीज नहीं कम ऑन। बहुत ही बढ़िया बाहर निकाल दी मैंने बाइक। ओ नो किधर लेके जा रहा हूँ भाई, बाइक तो बढ़िया है यार। ओहो हैंडलिंग भी बढ़िया ही है, थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अबे गेट पे ही मैंने अपनी गाड़ी लगा दी, ले गिर गया मैं। मिली गई बाइक जैसे तैसे, ओके ओके नाइस। अबे यार कितनी दिक्कत हो रही है इस बाइक को चलाने में, गाड़ियां चलाने की आदत हो गई है इसलिए बाइक चल नहीं रही है। कोई वेट इसकी आवाज़ सुनो, आवाज़ ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक बाइक है क्या? यस डेफिनेटली होना हो, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है भाई, इसकी आवाज़ ही नहीं है इंजन की कुछ भी, एकदम स्मूथली चल रही है। ओ भाई साहब स्पीड क्या तगड़ी है। ओ नाइस नाइस भाई, जो भी कहो आजकल जो भी गाड़ियां बाइक्स बन रही हैं स्पीड बहुत ही बढ़िया होती है। इलेक्ट्रिक बाइक मिल गई यार, सोचा नहीं था हार्ले डेविडसन के बाद कोई इलेक्ट्रिक बाइक चुराऊंगा मैं, बट हाँ ठीक ठाक ही लग रही है लुक वाइज, तो लेकर ही चलते हैं घर पे। और ये हो गई हमारे गैराज की सेकंड बाइक, जो कि बढ़िया ही लग रही है आई गेस, मैं इसे बिल्कुल कलेक्ट करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक बाइक हुई तो क्या हुआ, चुराई तो है मैंने, और बड़ी मेहनत से चुराई है भाई, बड़ी मुश्किल से चुराई है यार। इलेक्ट्रिक तो है चलो कोई बात नहीं, वो बात अलग है, लेकिन हैंडलिंग कुछ खास लग नहीं रही है इसकी। इधर उधर मोड़ने पे काफ़ी टाइम लग रहा है, जैसे मुझे मान लो राइट मोड़ना है तो काफ़ी देर तक हैंडल को मोड़ना पड़ता है तब राइट आती है, फिर लेफ्ट में भी ऐसा ही सीन है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोड़ दो तो कुछ ज़्यादा ही मुड़ जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं इस बाइक के अंदर, बट ठीक है इलेक्ट्रिक बाइक है क्या ही चाहिए। ओके तो ये हमारी हो गई सेकंड बाइक। कीचड़ कुछ ज़्यादा नहीं लग गई भाई बाइक पे? ओहो कीचड़ बहुत ज़्यादा लग चुकी है बाइक पे। कोई बात नहीं आ गए घर पे, बाद में साफ सफाई हो जाएगी। ओके ओके कम ऑन डायरेक्टली लेकर चलते हैं इसे, और लगाते हैं अपने गैराज के लेफ्ट वाले इस पोर्शन में, अपने हार्ले डेविडसन के जस्ट बगल में। ओ नो भाई कितनी फास्ट है यार ये। ओके जरा से एक्सलेट कर दे फुल स्पीड में चली जाती है ये, नाइस। ओहो कितना डैमेज हो गया इस गाड़ी पे, मतलब बाइक पे पूरी। इधर तो देखो धूल मिट्टी कीचड़ से सन गई है, साथ ही साथ इधर डैमेज भी हो गया है, और बढ़िया लग रही है। चलो मुझे नहीं पता चल रहा ये बाइक अच्छी लग रही है मुझे या बेकार लग रही है, बट यस मेहनत से चुराई है, फ्री की मिल गई है तो क्या ही बोले, रख ही लेते हैं। अब चलते हैं आज की फाइनल सुपर कार लाने के लिए, और अभी तक हेलीपैड नहीं आया यार। अबे कितनी देर लगेगी भाई हेलीपैड लाने में, हद है भाई हद। अरे हेलीपैड ले आओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, हेलीपैड लाओ भाई जल्दी। कब आएंगे भाई तेरे वर्कर्स? अरे यार बस वो निकल गए हैं वहाँ से हेलीपैड लेके, अब बस थोड़ी देर में पहुँच के लगा देंगे। ठीक है मैं भी देखता हूँ कितनी देर लगती है, फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं एक और फाइनल आज की सुपर कार लाने के लिए।
लेकिन कहाँ से लाऊँ। अब मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। लॉस सैंटोस के सारे इलाके घूम चुका हूँ मैं, डायमंड कैसिनो से लेकर बीच से लेकर हर तरफ, कोई सी जगह ही नहीं बची है यार जहाँ से मैं और गाड़ियाँ ला सकता हूँ। क्या लगता है किधर जा सकता हूँ मैं गाड़ी लाने के लिए, सुपर कार? आई गेस कहाँ जाऊँ मैं, एक सेकेंड, हाँ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जा सकता हूँ मैं। एयरपोर्ट पे भी एक से एक अमीर बंदे आते रहते हैं, लिमोजिन वगैरह लेकर आते हैं। हाँ लिमोजिन भी रख सकता हूँ मैं अपने कलेक्शन में डेफिनेटली। अरे हाँ यार तुम लोग एक चीज़ बताना भाई कमेंट में मुझे, और कौन सी गाड़ियाँ कलेक्ट करनी चाहिए अपने गैराज में सजाने के लिए। बहुत सारे ब्रांड्स की गाड़ियाँ ला चुका हूँ बट अभी भी काफ़ी सारे ब्रांड्स रहते हैं, तो कौन से रह जाते हैं वो तुम लोग कमेंट में बताना। अभी तो रेंज रोवर ही रह गई भाई, रेंज रोवर की तो कोई सी गाड़ी नहीं लाया मैं। ओके चलते हैं अभी एयरपोर्ट, यस मैंने सोच लिया एयरपोर्ट चलते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई तो गाड़ी मिली जाएगी। कुछ नहीं मिलेगी तो लिमोजिन तो मिली जाएगी, बंदे आते हैं लिमोजिन पे उतरते हैं और जाते हैं लिमोजिन से अपने घर, तो उनकी लिमोजिन ही लूट लूँगा और क्या। अब ये मैं किधर जा रहा हूँ, मेरे को एयरपोर्ट निकलना है, एयरपोर्ट के लिए यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं, डायरेक्टली हाईवे पे आ गए और निकलते हैं एयरपोर्ट। तो पहुँचने वाले हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अलग ही रास्ते से पहुंचने वाला हूं मैं। पहले मैंने सोचा कि नीचे से चलते हैं बट फिर मैंने सोचा नहीं, हम लोग इस वाले हाईवे के ऊपर से जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, नीचे ही उतरना चाहिए था। अबे यार नीचे पीछे कंफ्यूज हो गया हूं मैं एयरपोर्ट पे आने के लिए। एयरपोर्ट आने के लिए भाई 7-8 रास्ते जाते हैं, कोई बात होती है 7-8 रास्ते अगर जाएंगे किसी एक जगह पे तो बंदा कंफ्यूज होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। पीछे से यू टर्न लेना था, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से जंप करवा देता हूँ मैं गाड़ी। ओह नो बस बच गया। चलो अब ये रास्ता तो जाता है ना भाई पक्का एयरपोर्ट। यस भाई मैं बता रहा हूँ 7-8 रास्ते जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, एक ये वाला जाता है, एक हाईवे की तरफ जाता है, एक ये वाला ब्रिज जाता है जिसपे से अभी मैंने जंप लगाई। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। किसी दिन ड्रोन से दिखाऊंगा तुम लोगों को एयरपोर्ट का सीन क्या है, फिलहाल अभी चलते हैं जल्दी से। ओके आ गए भाई आ गए। एयरपोर्ट के पास दो बहुत ही बड़े बड़े होटल हैं, एक तो ये वाला है वो पीछे दिख रहा है और एक ये वाला है। इन दोनों के जो ओनर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे यार, उनके पास भी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ होंगी, उनकी भी गाड़ियाँ लूटनी पड़ेंगी लगता है। अभी तो फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं, देखते हैं कोई गाड़ी मिलती है क्या। एयरपोर्ट आ रहा हूँ मैं, आ चुका हूँ बल्कि मैं। हेलो गेट खोल दो भाई प्लीज़, ऑटोमेटिकली ओपन। एंड इधर तो कोई गाड़ी नहीं है। वेट, वो गाड़ी किसकी है? ओ वेट, ये रेड एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में ये किसकी गाड़ी है भाई? ये तो GTR जैसी लग रही है, GTR जैसी लग क्या रही है, ये GTR है, ये तो निशान GTR है भाई। अरे वाह, ओ वाह यार बढ़िया लग रही है गाड़ी तो, और वो भी रेसिंग एडिशन है निशान GTR का भी। ओ भाई साहब क्या चल रही है ये, ओ भाई क्या स्पीड है इसकी। अबे किसकी निशान GTR है ये, कौन रख के चला गया अपनी GTR यहाँ पे? जो भी रख के गया हो यार, मेरे को मस्त GTR मिल गई है एयरपोर्ट पे आके, मैं ले जाने वाला हूँ इसे, मैं नहीं छोड़ने वाला ये, जिसकी भी हो अब वो भूल जाए अपनी GTR। ये GTR हो गई मेरी हमेशा के लिए, क्या बढ़िया लग रही है, 350 की रफ्तार जा रही है इसकी, 400 पहुंच जाएगी आराम से अगर ये रनवे खत्म ना हो गया होता तो। फिलहाल अभी निकलते हैं इसे लेके घर पे। भाई शिनचैन पिनचैन और चॉप तो खुश हो जाने वाले हैं इसको देख के, और कलर कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है, रेड एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, वो भी रेस एडिशन है, वाव। और ड्रिफ्ट देखो तुम लोग, ड्रिफ्ट देखो खुद ही, क्या एपिक ड्रिफ्ट लग रही है, मजा आ गया, मस्त मिल गई भाई गाड़ी यहाँ पर। तो ये हमारी आज की फाइनल कार भी एकदम टॉप नॉच निकली। अरे अब तो ओपन कर दो भाई अपने बैरिकेड, GTR लेके आ गया अब तो मैं। चलो भाई निकलते हैं घर, पता नहीं अभी तक हेलीपैड लग गया होगा या फिर नहीं, फिलहाल थोड़ी देर में शाम हो जाएगी तो हेलीपैड तो अब तक लग जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी, और शाम हो भी गई है घर पहुंचते ही, बट बहुत ज़्यादा खुशी है, और खुशी के चक्कर में ठोक दी मैंने गाड़ी, डैमेज नहीं हुआ वो बात अलग है। चलो हटो, सामने से हटा ले भाई, मेरे से रेस नहीं लगा सकता भाई तू, GTR है मेरे पास, सामने से हट जाओ। सभी के सभी आ चुकी है ब्रांड न्यू GTR। ओके हेलीपैड लग गया, अबे हेलीपैड लग गया भाई, और वर्कर्स लगाकर चले भी गए। क्या बात कर रहा है, शिनचैन पिनचैन GTR लेके आ गया मैं। अरे खरीद के लाया हो क्या? यार कल वे इतनी महंगी गाड़ी तू कहाँ से लेके आ गया बे? अबे खरीद के नहीं लाया भाई, मिल गई मेरे को,
अरे मिल गई, कहाँ पर मिल गई? एयरपोर्ट पे मिल गई GTR और उससे पहले बेंटले लाया था मैं। बैक कलवे क्या बात है, आज तो दोनों गाड़ियाँ एकदम बेहतरीन बेहतरीन मिल गई। और गाड़ियाँ ही नहीं भाई, बाइक भी जो लाया हूँ, एक हार्ले डेविडसन है और एक इलेक्ट्रिक बाइक है। बे आज तो तेरी किस्मत भाई तेरे पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान रही। वही तो भाई, आज मेरी किस्मत ने मेरे बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया है। फिलहाल ये हेलीपैड इतनी जल्दी लग गया, मुझे फिर से टेंशन हो रही है गाइस। ये हेलीपैड फिर से हवा में उड़ ना जाए, एक बार देखते हैं जरा चल के इस बार कैसा है हेलीपैड। पिछली बार जैसा ही लग रहा है। ओके तो ये है सीढ़िया गाइस, यहाँ से हम लोग ऊपर आ सकते हैं। ओके इस बार इन लोगों ने मिडल में लगाया, हाँ ये सही जगह पे लगाया है। हेलीपैड तो हेलीपैड जैसा ही है, और कैसा होगा। ठीक है हेलीपैड तो बढ़िया है, नाइस। यहाँ से हेलीकॉप्टर लैंड करके सिंपली यहाँ से उतरो एंड यहाँ से सीढ़ी से नीचे आ जाओ। भाई डायरेक्ट जंप करके आ गया, सीढ़ियों से उतरना था। ओके यहाँ पर देखो, ये सीढ़ियों से आराम से एकदम शांति से बिना जल्दबाजी के आराम से ऐसे उतर जाओ। हाँ ये बढ़िया है। तो इसी तरीके से गाइस फाइनली आज मेरा जो घर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यस 100%, अब तो मैं कह सकता हूँ 100% कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग पार्टी देंगे या तो भाई हेलीकॉप्टर लाएंगे पहले, क्योंकि हेलीपैड सूना सूना लगेगा यार। और हाँ मैं सोच रहा हूँ गाइस नेक्स्ट टाइम भाई हम लोग कुछ गाड़ियां भी लाएंगे, कुछ बाइक्स लाएंगे, क्योंकि देखो अपना शोरूम जो है ऑलमोस्ट फिल होने की कगार पे है। 3 गाड़ियां यहाँ है, 5 गाड़ियां यहाँ है, 5 × 3 = 8 हो गई, और 8 × 5 = 13 गाड़ियां हो गई, और 13 और 3 और गाड़ियां जोड़ लो भाई। तो इस तरीके से अपने पास टोटल 16 गाड़ियां हो चुकी है, 2 बाइक्स। तो 2 गाड़ियां और ले आऊंगा और 3-4 बाइक्स ले आऊंगा, तो अपना गैराज तो फिल हो जाएगा, और एक हेलीकॉप्टर ले आऊंगा तो फिर अपना गैराज फिल हो जाएगा, और फिर मैं पार्टी दे सकता हूँ। तो आई गेस पहले ये करते हैं, बट अभी भी तुम लोगों के पास मौका है गाइस कमेंट में जाकर बताना यार मुझे और क्या नया करवाना चाहिए घर के अंदर, क्या अभी भी मिसिंग है हमारे नए घर के अंदर। फिलहाल इसका नाम भी मैं सोच लूंगा नेक्स्ट एपिसोड तक। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। भाई पुलिस वाले को क्या हो गया? अरे पुलिस वाले भाई क्या कर रहे हो तुम? अरे हमारे आर्किटेक्ट को लपेट दिया पुलिस वालों ने। अरे क्या हो गया सर, किस पे एम कर रहे हो? वो तुम्हारा क्रिमिनल थोड़ा है, तुम्हारा क्रिमिनल गया। अरे क्या ही पुलिस वाले हैं यार, बेचारे आर्किटेक्ट को लपेट दिया भाई। इधर से ले गए क्या ये लोग गाड़ी? ओ हाँ इधर से, तू बच गया भाई कॉन्ट्रैक्टर यार, मेरे लग गई। अभी ये पुलिस वाले मेरे घर को क्यों देख रहे हैं? सर मैंने परमिशन लेके बनवाया सर। अरे तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं यार, बस हम तो देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया घर है। सर नजर मत लगाओ प्लीज। अरे नहीं लगा रहे यार नजर, जा रहा हूँ बस। सर जा तो नहीं रहे आप? अरे जा रहे हूँ यार, जा रहा हूँ। जाओ सर प्लीज जाओ, मैंने सब कुछ परमिशन पता नहीं साइन वाइन सब कुछ करके बनवाया है। इस बार मेरे घर को अगर लॉक करने की कोशिश की ना भाई छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल गाइस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय। एक बार देखते हैं नीचे से गैराज कैसा लग रहा है। Here we go, ये हमारा ब्यूटीफुल गैराज, हेलीकॉप्टर और आ जाए उस पे और बढ़िया लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। अगर तुम लोगों ने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो गाइज पूरी की पूरी सीरीज को, किस तरीके से हम लोगों ने घर को एक एक करके बनवाना शुरू किया, किस तरीके से पैसे कलेक्ट करने शुरू किए, किस तरीके से आज हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अपने घर को 100% कंप्लीट कर चुके हैं। अगर देखना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।